हेलो एवरीवन, इससे पहले कि हमारे वीडियोस मतलब मैंने जो भी दो तीन वीडियोस अपलोड करी थी वो मराठी में करी थी, लेकिन क्या हुआ फिर मैंने सोचा यार मतलब मराठी लोगों को तो मतलब हिंदी समझ आ जाती है, लेकिन जो हिंदी मतलब ऑडियंस है या फिर हिंदी में जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लोग मराठी नहीं समझ पाते। इस वजह से मैंने फिर सोचा कि क्यों ना, मुझे तो दोनों लैंग्वेजेस आती है, तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं ही वीडियोस हिंदी में बनाऊँ। होप्सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर मेरी हिंदी में कुछ मतलब थोड़ी बहुत कमी आई तो समझ लेना। आज की जो हमारी वीडियो उसके बारे में बात करते हैं, तो आज के हमारे वीडियो हेयर रिलेटेड है, एक्चुअली बालों के बारे में है कि हम बालों में तेल कैसे लगाएंगे, या फिर हम बालों में तेल क्यों लगाना चाहिए, या फिर बालों में तेल लगाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, या फिर तेल नहीं लगाते हैं तो तेल ना लगाने के क्या क्या नुकसान हैं, तो ये सब आज के हम वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना, बोरिंग नहीं होगी, मैं ट्राई करूँगी एक्चुअली। तो चलिए वीडियो देखते हैं, बाय बाय। ऑयलिंग, हम ऑयल लेने से स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे तीन ऑयल्स लिए हैं, एक है पैराशूट का कोकोनट ऑयल, दूसरा है ऑलिव ऑयल एंड तीसरा है कैस्टर ऑयल। हर एक ऑयल के अपने ही अलग बेनिफिट्स होते हैं, तो मैं आपको रेफ़र करूँगी कि आप एक से ज़्यादा ऑयल मतलब यूज़ करें, और इन तीनों ऑयल को हमें सेम क्वान्टिटी में नहीं लेना। कैस्टर ऑयल हमें थोड़ा सा कम लेना है क्योंकि वो ज़्यादा चिपचिपा होता है, और इन तीनों ऑयल को हमें थोड़ा सा गैस पे रख के थोड़ा सा गुनगुना करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। वो एक ऑयल की अपनी अलग ही खूबी होती है, तो कैस्टर ऑयल हमारे वाइट हेयर्स को नेचुरली ब्लैक करने में हेल्प करता है, कोकोनट ऑयल हमारे बालों को कंडीशनिंग करने में हेल्प करता है, और ऑलिव ऑयल हमारे बालों को हेयर फॉल से बचाता है। जब भी आप हेयर मतलब डिटेंगल करते हैं, हेयर कॉम करते हैं, तो इसलिए जो कॉम है आप वो इस तरह का कॉम यूज़ करना, मतलब इससे क्या होता है स्ट्रेटनर होता है या फिर कर्ल करने के लिए, तो वो मतलब कम ही यूज़ करें। क्या होता है इससे भी मतलब हमारे बालों में से जो नेचुरल ऑयल होता है वो हीट की वजह से चला जाता है, उससे हमारे बाल ड्राई होते हैं, फिर ड्राई बाल होते हैं वो टूटने लगते हैं, जैसे बीच बीच में से ना टूटने लगते हैं, तो वो भी ना करें। तो हमें अपने बालों की केयर मतलब हमारे बालों की केयर करना हमारे खुद के हाथ में होता है। ऑयल लगाने से पहले हमें हमारे बाल कॉम करने हैं, इससे क्या होगा मतलब हमारे बाल ज़्यादा उलझेंगे नहीं और हेयर फॉल कम होगा। अब बात करते हैं ऑयल्स के बेनिफिट्स के बारे में। क्या होता है बहुत सारे लोग ना बालों में ऑयल ही लगाते नहीं हैं, तो उन लोगों को आगे जाके बहुत सारे हेयर प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है। मैं तो अपने बालों में वीक में एक या दो बार ऑयल ज़रूर लगाती हूँ, या ये कहूँ कि मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ ऑयल लगा के ही करती हूँ, बिना ऑयल लगाए मैं मेरे बाल कभी वॉश नहीं करती। हेयर ऑयलिंग के अपने सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ऑयलिंग की वजह से हमारे बालों का जो ड्राइनेस फ्रीजीनेस है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर हमारे बालों या स्कैल्प ज़्यादा ड्राई होते हैं तो बालों में स्प्लिटेंस होते हैं, ड्राई स्कैल्प की वजह से डैंड्रफ होता है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, या मैं बोलूँगी कि 100% काम करने वाला नुस्खा जो है ये, अपने बालों में वीक में दो बार ज़रूर ऑयल लगाएं। अब हमने मतलब ऑयल लगाने के बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स मतलब दोनों के बारे में बात करें, अब हम हेयर ऑयल कैसे लगाए मतलब प्रॉपरली हमें ऑयल कैसे लगाना है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने स्कैल्प पे अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से ऑयल लगाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब कॉटन यूज़ करो हेल्प, या कॉटन की हेल्प से अपने स्कैल्प में ऑयल लगाओ, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि ऐसा मत करो, क्योंकि क्या होता है आप बालों को ऑयल करते टाइम कॉटन यूज़ करा तो वो बाल आपके ज़्यादा उलझ जाएंगे और इससे हेयर फॉल होगा, तो फिंगर टिप्स की हेल्प से ऑयलिंग करना ही बेस्ट होता है। लगाते टाइम हम अपने बालों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके थोड़ी थोड़ी एरिया में ऑयल लगाएंगे,
और धीरे धीरे स्कैल्प की मसाज भी करनी है। जैसे कि ऑयलिंग के अपने ही अलग फ़ायदे होते हैं, वैसे ही हेयर मसाज के भी अपने ही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो हेयर मसाज तो ज़रूर करना चाहिए। 5 से 10 मिनट आप वीक में 2 बार अपने बालों के लिए ज़रूर दे सकते हैं। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा होता है ना स्कैल्प में, वो अच्छा होता है, स्ट्रेस कम होता है, पर स्ट्रेस कम होने में भी हेल्प होती है। तो इतने सारे बेनिफिट्स के लिए तो हम वीक में 1 या 2 बार आधा घंटा या 10 से 15 मिनट अपने बालों के लिए दे ही सकते हैं, या हमें देने ही चाहिए। सेल्फ केयर तो हर किसी को करनी चाहिए, तो हमारे बालों की भी केयर हमें करनी ही चाहिए। स्कैल्प का तो हो गया, मतलब स्कैल्प पे ऑयलिंग हो गई, लेकिन हमारे लेंथ पे भी हमें ऑयल अप्लाई करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो स्प्लिटन्स होते हैं ना, वो हमारे ड्राई हेयर्स के वजह से ही होते हैं। तो हमें लेंथ पे भी हेयर ऑयल ज़रूर अप्लाई करना है, मसाज करनी है, और 10 से 5 मिनट का ही मतलब ये टाइम है, तो हमें ज़रूर देना चाहिए। ऑयलिंग के साथ ही हमें हमारे डाइट पे भी मतलब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हमें हमारे डाइट में ड्राई फ्रूट्स ऐड करने चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी को जो ज़रूरी प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो मिलते हैं। अगर हमारी बॉडी हेल्दी होती है तो हमारे हेयर्स और हमारी स्किन भी अपने आप ही हेल्दी होती है। तो हम क्या खाते हैं ये भी उतना ही मायने रखता है। ऑयलिंग होने के बाद अब हम हमारे बालों की चोटी बनाएंगे। क्या होता है, रात भर सोते टाइम बाल उलझे ना जाता, इस वजह से हम चोटी बना के सोएंगे तो बाल कम उलझेंगे और वॉश करते टाइम हेयर फॉल भी कम होगा। हेयर वॉश करने के बाद हम बालों को सुखाने के लिए एक तो हम टॉवेल की जगह एक मतलब जो सॉफ्ट कॉटन की टी शर्ट होती है वो यूज़ करेंगे, और हम उसे खाली डैप डैप करके, मतलब ना बालों को खींचना है और ना ही उनको ट्विस्ट करना है, बस थोड़ा सा डैप डैप करके बालों को सुखाएंगे, और ज़्यादातर बालों को एयर ड्राई होने देंगे, मतलब ब्लो ड्रायर या फिर ड्रायर नहीं यूज़ करेंगे। हेयर वॉश के बाद मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर करती हूँ, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले तो मैं गार्नियर का मतलब जो विटामिन सी का है फेस सीरम है वो यूज़ करती हूँ, ये मैं डेली लगाती हूँ, और उसके बाद मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। ये ममा अर्थ की विटामिन सी की ही डेली ग्लो सनस्क्रीन है। ये थोड़ी सी ऑयली है लेकिन मेरी स्किन ड्राई है तो ये मेरे लिए सूट करती है। आप अपने स्किन के हिसाब से यूज़ करें, ज़्यादा ऑयली स्किन वाले इसे ना यूज़ करें तो ही अच्छा है, क्योंकि इसमें मुझे तो मतलब ज़्यादा ऑयल लगता है। इसके बाद मैं लिप बाम यूज़ करूँगी। एक्चुअली ये वादी का हर्बल का लिप बाम है, इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं तो मैंने यही यूज़ करा है। तो ये टिंटेड नहीं है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्लश लिप बाम पे अप्लाई करा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए और आपके हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।